भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 314 रनों का लक्ष्य रखा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एरन फिंच ने 93 और उस्मान ख्वाजा ने शानदार 104 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही। जे रिचर्डसन ने अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन को पॉइंट पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच करवाकर भारत को पहला झटका दिया और शिखर धवन 10 गेंद पर एक रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि शिखर धवन की खराब फॉर्म लगातार जारी है। पिछले मैच में भी वो कुछ खास नहीं कर पाए थे और इस मैच में भी उनसे खासी उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी उन्होंने टीम को निराश ही किया। उसके बाद मैदान में उतरे रोहित शर्मा से भी काफी उम्मीदें थी कि वो कुछ अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन 15 रन के स्कोर पर पैट कमिंस की बॉल पर रोहित शर्मा 10 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद क्रीज पर मौजूद थे अंबाती रायडू और विराट कोहली और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कुछ कमाल करके दिखाएंगे, लेकिन अंबाती रायडू ने भी निराश किया और वो भी 8 बॉलों पर 2 रन बनाकर पैट कमिंस की बॉल पर बोल्ड हो गए। अब देखना होगा कि टीम इंडिया आगे कैसा खेल दिखाती है। क्या टीम इंडिया इस मैच को जीत पाएगी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी अभी सब्सक्राइब करें।